हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन कई शुभ योगों का भी निर्माण हो रहा है। आइए पंडित जी से यानी विस्तार से। जी, भारतीय त्यौहार शास्त्रों का तथा त्यौहारों का देश कहा गया है कि प्रति महीने में हर 12 सालों में कुछ ना कुछ त्यौहार आते हैं, तो इस बार गणेश चतुर्थी आ रही है। हम गणेश चतुर्थी पर बात कर रहे हैं। सो गणेश चतुर्थी भादव मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन सभी प्रत्येक भारतीय व्यक्ति तथा धार्मिक व्यक्ति तथा जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है तथा अन्य धर्मों से भी जुड़ा हुआ है, सभी भगवान गणेश जी का उत्सव मनाते हैं और 10 दिन तक भगवान गणेश जी को अपने घर में स्थापित करते हैं और भगवान गणेश जी महाराज से शुभ की कामना करते हैं कि हे भगवान, आप विघ्नहर्ता है, आप हमारे घर के विघ्न को हरे, हमारे परिवार को, हमारे व्यापार के विघ्न को आदि को हरे, इस प्रकार की कामना करते हैं। इस समय गणेश चतुर्थी सितंबर में आ रही है, जो कि 7 तारीख को बताया जा रहा है। ऐसे चतुर्थी का जो है चतुर्थी 6 सितंबर को दोपहर 3:01 से प्रारंभ हो रही, परंतु भारतीय पंचांग के अनुसार तथा शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उदया तिथि मानी जाती है। सो 7 तारीख के दिन सुबह से ही गणेश स्थापना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि उदया तिथि उस समय है, तो स्थापना 7 सितंबर को की जाएगी और भगवान गणेश जी महाराज की स्थापना करें और भगवान गणेश जी महाराज को प्रसन्न करें तथा अपने घर में सुख समृद्धि की आदि की प्राप्ति की उनसे कामना की जाती है तथा अनेक प्रकार के भगवान को भोग आदि लगाया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी जो आ रही है, इसमें अनेक प्रकार के सिद्ध योग बन रहे हैं, जिसमें से इंद्र योग बन रहा है तथा सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, एक रवि योग बन रहा है। इन योगों में भगवान गणेश जी से की विशेष पूजा करना चाहिए, भगवान को भोग आदि लगाना चाहिए, जिस प्रकार भगवान को लड्डू ध्रुआ आदि के साथ में भगवान को भोग लगाना चाहिए और उनका पूजन कर करके घर में सुख समृद्धि के आदि की कामना करें तथा भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप सदैव हमारे भारत देश पर, हमारे घर पर आदि पर शुभ दृष्टि बनाए रखें तथा हमारे सारे विघ्नों को हरें।